ये देखिए गाइस कितनी भगदड़ हो गई है गाजियाबाद स्टेशन में, और हज़ारों की जनसंख्या में यूपी पैट का एग्ज़ाम देने आए स्टूडेंटों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ यूपी की सबसे ख़राब व्यवस्था। अभी यूपी के एग्ज़ाम चल रहे थे, यूपी पैट के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसकी डेट 15-16 तारीख को स्टूडेंटों का पेपर था, तो उस सेंटर गया था। यहाँ पे गाजियाबाद और नोएडा में जितने भी बच्चों का सेंटर आया था, तो बच्चे आए थे पेपर देने आसपास की जगह से, मेठ मंडल से और मुरादाबाद आसपास में जितने भी एरिया हैं उसके उसके आसपास का सेंटर गाजियाबाद और नोएडा पड़ा था। तो बच्चे पेपर देने आए थे, तो मैं दिखाता हूँ आपको इस वीडियो में पेपर के बाद उन्हें घर जाने के लिए कितना कसमोकस करना पड़ा। ट्रेन में इतनी भीड़ थी, पूरा मैं दिखाता हूँ। मैं स्टेशन पे था, गाजियाबाद स्टेशन की लाइव वीडियो है ये मेरे सामने, ये इतना बुरा हाल हो रहा था स्टूडेंटों के साथ। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये देखिए, ये है गाजियाबाद स्टेशन, और ये जितनी भी जनसंख्या भीड़ खड़ी है ये सब यूपी पैट के एग्ज़ाम दे के आए हैं। और ये गाजियाबाद स्टेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हज़ारों की जनसंख्या में स्टूडेंट जो हैं यूपी पैट का एग्ज़ाम दे के आए हैं, और यहाँ पर ट्रेन की इंतज़ार कर रहे हैं। अभी ट्रेन आएगी तो देखना कितना बुरा हाल हो जाएगा और भगदड़ हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 है, इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है, और ये जनसंख्या हज़ारों की है, छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर भगदड़ हो गई तो किसी की जान की भी आफत आ जाती है। तो गाइस ये देखिए ट्रेन आ गई है, और ये ट्रेन मुरादाबाद के लिए जा रही है, और ये देखिए भगदड़ कितने बुरे हाल है। ये देखिए यहाँ पे मैं जितना देख पा रहा हूँ उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से ये पैट के एग्ज़ाम देने आए हैं स्टूडेंट, उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। और यूपी गवर्नमेंट ने इसकी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं बनाई कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ये हाल केवल गाजियाबाद का नहीं है, ये गाजियाबाद की वीडियो है, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की। ये हाल यूपी के और जगहों पे भी यही हाल है, क्योंकि यूपी पैट का एग्ज़ाम हुआ था तो व्यवस्था अच्छी ना होने के कारण काफ़ी दिक्कत हुई। और ये देखिए इमरजेंसी खिड़की जो लगी होती है उसके अंदर से लेडीज़ को ठोस ठोस के मतलब डाला जा रहा है। अब देखिए जब अंदर जाने की जगह ही नहीं है तो ट्रेन के अंदर जो हैं उनकी क्या हाल हो रही होगी। और ये लोग हैं इसमें मतलब सांस वांस लेने में भी दिक्कत हो रही होगी, दब के भी मर सकता है, मतलब काफ़ी बुरी व्यवस्था है ये और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा इन स्टूडेंटों को जो कि यूपी पैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अभी तो देखिए भर रहे हैं, ये आरपीएफ के जवान भी आ गए, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, और ये कंट्रोल कर रहे हैं पर ज़्यादा नहीं कर पा रहे। देखिए ट्रेन चलने लग गई है और ट्रेन स्टार्ट होगी। देखिए ये देखिए सामने मैं अभी दिखाता हूँ, पूरी ट्रेन भरी हुई जा रही है, और अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि बैठ नहीं पाए हैं। ये देखिए ऐसे में लटक लटक के जाना पड़ रहा है, किसकी गलती है आप बताइए, कमेंट में बताइए किसकी गलती है। ये स्टूडेंट है, इन्हें इतनी दिक्कत हो रही है एग्ज़ाम देने के बाद, मतलब व्यवस्था नहीं की गई स्टूडेंटों के लिए। ये देखिए अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका। गिने चुने सेंटर में एग्ज़ाम गया था, नज़दीक नहीं गया था यूपी पैट वालों का। ये देखिए कितने बुरी तरीके से भर के जा रहे हैं, और ये अभी स्टूडेंट आधे ही गए होंगे, आधे तो प्लेटफॉर्म पे ये देखिए सामने खड़े हैं, और भी काफ़ी सारे हैं जो रह गए। मेरे आँखों के सामने जितना दिख रहा है मैं दिखा रहा हूँ, ये सब भीड़ वही है यूपी पैट की। तो देखिए गवर्नमेंट को इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ामिनेशन होता है उसकी पूरी व्यवस्था की जाए, आने जाने का
स्टूडेंटों को कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम देने के समय। तो मेरे को काफ़ी सामना मामला ये सामने आया था यूपी के गाज़ियाबाद से। ये गाज़ियाबाद का कुछ नज़ारा है। बाकी ऐसे मामले कानपुर से भी आए हैं भीड़ भड़ाका, और यही सब हाल है कानपुर में भी। जैसा कि गाइस आपने इस वीडियो में देखा, मैंने आपको दिखाया है यूपी पैट का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसके जो स्टूडेंट थे जो पेपर दे के आए थे उनके लिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण स्टेशन पे इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ जमा हो गई और रेल में इतनी मतलब मुश्किल से रेल में जाने का नौबत आना पड़ा। ऐसे भगदड़ में हादसा होने का भी संभावना होता है। आपने देखा जैसा कि वीडियो में ट्रेन में किस प्रकार से चढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने पड़ा, प्रॉब्लम क्रिएट हुई स्टूडेंट के साथ। तो काफ़ी सारी सवाल उठाने वाली बात है ये गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ने अगर यूपी पैट का एग्ज़ाम था तो उसके लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं की, और जो स्टूडेंट हैं उन्हें सुविधा क्यों नहीं मिला, और ये रेलवे में इतनी मतलब इतनी बुरी तरीके से जाना क्यों पड़ा। क्योंकि आपको पता है यूपी पैट का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, 15-16 तारीख का जितने भी बच्चों का डेट था, मैं आपको बता दूं बस गिने चुने सेंटर पड़े थे यूपी में जो मेन मेन जगह होती है वहाँ पे, और जो स्टूडेंट थे यूपी के आसपास के एरिया से गिने चुने सेंटर में जाना था। तो ऐसे ऐसे वक्त में यूपी गवर्नमेंट को ध्यान रखना था कि ये सब मतलब ये सब जो व्यवस्था था उसका ध्यान रखना था, ये सब इसका ध्यान नहीं रखा यूपी गवर्नमेंट ने। तो ये काफ़ी बड़ी लापरवाही सामने आई यूपी गवर्नमेंट की, और आपको देखा कितना बुरा हाल था यूपी पैट के स्टूडेंट के साथ। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे नए नए कंटेंट मैं आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।